नमस्ते। राजस्थान अपनी लघु चित्रकारी के लिए जाना जाता है, पर इस बार मैंने वहाँ पाया इसका एक नया स्वरूप, काष्ठ या चंदन की लकड़ी पर। आइए मेरे साथ राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के चुरू नगर में, जहाँ हम सुनेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री पवन जांगीड जी की कला कथा, उन्हीं के द्वारा जैसे वो हमें अपनी अनेक कलाकृतियाँ दिखाएंगे। मेरा नाम पवन जांगीड है और मैं राजस्थान के चुरू जिले का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे चुरू जिले के अंदर हम लोग चंदन की लकड़ी का काम करते हैं। हमारा मेन काम होता है चंदन की लकड़ी में बारीकी दिखाना, बारीकी से बारीक काम हम लोग कर सकते हैं और हमारी पीढ़ी के अंदर करीब 10 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। तो हमें इसके बारे में बताइए, आप क्या क्या बनाते हैं और आपकी खासियत क्या है? मतलब इसकी चंदन की लकड़ी की सबसे बड़ी खास बात, चंदन की लकड़ी भी एक खास चीज होती है, इसकी खुशबू और इसके अंदर बारीक से बारीक काम होने का मेन कारण ये होता है इसकी बारीक डिटेल लकड़ी की, जिसमें कोई भी बारीक से बारीक काम किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, राजस्थानी पनिहारी की मूर्ति बनाई हुई है, राजस्थानी महिला। इसके अंदर इसकी खास बात ये है, इसका ये दुपट्टा पूरा का पूरा इतना सॉफ्ट बना हुआ है, पूरा लकड़ी का है, उसके बाद में भी इतना सॉफ्ट है इसका। और फिर इसके अंदर स्टोरी, हमारा काम खुलने वाला है, एक के अंदर एक पार्ट्स खुलते हैं। राजस्थान की औरतों के कौन कौन से वीर पैदा हुए, ये चित्र इसमें बनाया हुआ है। जैसे इसमें महाराणा प्रताप की जीवनी बनाई हुई है, ये जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ पे भामाशाह सहायता करते हैं, बन बिलाओ, हाँ यहाँ पे बन बिलाओ, और इधर इस सीन के अंदर शक्ति भामाशाह धन दे के महाराणा प्रताप को सहायता करते हैं। ये एक राजस्थानी महिला का जीवनी बन गई, जिसमें ये वीर पैदा हुए राजस्थान महिला के। और कोई भी मूर्तियां और फिगर कोई भी बनाया जा सकता है इसके अंदर। अब जैसे आपको दूसरी चीज दिखाऊं मैं, ये जैसे चंदन की लकड़ी की तलवार बनाई हुई है, इसके अंदर कोई भी मशीन का काम नहीं होता है, सारा का सारा हाथ से बनाया हुआ है। जी, अब इसके अंदर ये धीरे पार्ट्स खुलेंगे, इसमें अपने देश के ऐतिहासिक इमारतें, जैसे चित्तौड़ का गढ़ ऊपरी ऊपर, जयपुर का हवा महल, दिल्ली का लाल किला, और आगरा का ताजमहल। ताजमहल भी खुलेगा, इसके नीचे कब्र बनी हुई है, और ये खोलने के बाद में मुमताज़ बेगम की जीवनी बना दी, इसकी ताजमहल मुमताज़ बेगम की याद में बनाया हुआ था। ये जो नीचे आप चैन देख रहे हैं, इनके में अंदर भी अपने देश के महान राजा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी की मूर्तियाँ बनाई हुई है। और ये चेन बिना जोड़ के, हाँ ये बिना जोड़ के बनाई जाती है जी। ये मैडम जैसे गुलाब का फूल बनाया हुआ है, इसे खोलने पर हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी, भगवान कृष्णा। ये आपको एक ऐसा फूल बनाने में कितना समय लगता है? इस फूल को बनाने में मैडम करीब 15 दिन के 12-14-15 दिन का टाइम लगता है एक फूल बनाने। अकेले? हाँ, एक आदमी। ये जैसे गले में पहनने का पेंडल बनाया हुआ है, इस पेंडेंट की खास बात ये है मैडम, इसमें इसकी पूरी चेन है, ये एक पीस के अंदर बनाई हुई है, वन पीस ऑफ वुड, एक ही लकड़ी के अंदर पूरा कार्विंग कर करके इस चेन को बनाया हुआ होता है। का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड दर्ज है जॉइंटलेस चेन। खोलने पे गणेश जी, हनुमान जी। ये छोटे बादाम की जो शुरुआत में मेरे दादाजी ने इस काम को शुरुआत किया था, तब सबसे पहले बादाम बनाई थी उन्होंने, चंदन की लकड़ी की बादाम है ये, और इस पे डिजाइन बना दी लकड़ी की, वो बादाम की डिजाइन बना दी। इसको खोलने पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ है,
चंदन की लकड़ी की मैडम ये बादाम बनाई हुई है, इसको खोलने पर एक हनुमान जी है, पार्श्वनाथ जी है, गणेश जी है, इस टाइप से ये अंदर ही कार्विंग करके बनाए हुए हैं, कोई जॉइंट नहीं होता इनमें, वुड के अंदर ही कार्विंग करके फिर बनाया जाता है ये। ओके, ये मैडम फोटो फ्रेम की डिजाइन बनाई हुई है। अच्छा, तो पूजा के स्थान पे भी अपन रख सकते हैं इसको। और इसके अंदर आप देखिए राम दरबार की, पूरा राम दरबार बनाया हुआ है। अच्छा, और बड़े वाले में? बड़े वाले के अंदर मैडम ये शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी और राधा कृष्णा। तो ये छोटे से मंदिर ही हो गए? हाँ जी, मंदिर के में भी इसको काम में ले सकते हैं, अपने घर में सजाने के हिसाब से या मंदिर के हिसाब से, इसको पूजा के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं जी। ये जैसे ये सितार बनाया हुआ है मैडम, 8 इंची साइज है इसका, और इसके जो तार वगैरह जो बनाए हुए हैं सारे के सारे चंदन की लकड़ी के बनाए हुए हैं इसमें। और मैंने आपको बताया हमारा खोलने का तरीका, इसमें राधा कृष्ण। ये राम दरबार की स्टोरी बनाई हुई है, जो 24 तीर्थंकर बनाए हुए जैन धर्म की जीवनी बनाई हुई मैडम इसमें, इसमें पार्श्वनाथ जी है, फिर 24 तीर्थंकर, नीचे घंटाघर, महावीर, नाकोड़ा, भैरू। राधा कृष्ण की जीवनी की जरोखा बनाया हुआ है जिसमें कृष्ण की पूरी जीवनी बनाई हुई है इसमें। चंदन की लकड़ी पे मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था मैडम 1997 के अंदर, जिसकी मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विज्ञान भवन के अंदर नेशनल अवार्ड दिया था मेरे को। मैंने उस टाइम पे शकुंतला का आश्रम बनाया था जिसमें दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं। अच्छा, वो मूर्ति करीब 1.5 फीट की साइज के अंदर मूर्ति बनाई थी जिसके ऊपर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। इसी प्रकार ये उपराष्ट्रपति जी हैं श्री कृष्णकांत जी, मेरे दादाजी हैं, इनको 71 में नेशनल अवार्ड मिला था वीवी गिरी से। अच्छा, ये राजस्थानी महिला बनाई थी उन्होंने, इसके ऊपर उनको नेशनल अवार्ड मिला था। मेरे पापा हैं श्री चौथमल जी, इनको इस तलवार के ऊपर 73 में वीवी गिरी जी से नेशनल अवार्ड मिला था। ये मैडम हमारे औजार हैं, इनसे ये सारा का सारा काम होता है। ये औजार भी हम लोग खुद ही बनाते हैं, ये भी स्टील के औजार भी हमें खुद को ही बनाने पड़ते हैं, मार्केट में उपलब्ध नहीं होंगे आपको। और इन्हीं औजारों से बारीक मोटे आप अलग अलग टाइप के देख सकते हैं। और इसके अंदर इसी और इन्हीं औजारों से ये हमें सारा सारा काम करना होता है। अच्छा, जैसे मैं अभी आपके सामने ये फूल की डिजाइन बना रहा हूँ, इसको सफाई करनी है सारी। और ये देखिए जैसे अभी ये माला की डिजाइन बन रही है, पूरी माला बनेगी, ये तैयार नहीं है अभी, अनकम्प्लीट है, इसी को मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये देखिए इस हिसाब से इन्हीं औजारों से सारा काम किया जाता है। तो ये पूरी आपकी एक वर्कशॉप यही डब्बा? हाँ, है ये वर्कशॉप हमारा यही है, इसी से ही हम लोग हमारे खुद के बनाए हुए औजार होते हैं और कुछ मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जैसे ये चीज है ये थोड़ा बहुत मार्केट में मिल जाती है, वरना सारा औजार हम लोग औजार भी हम लोग खुद ही बनाते हैं हमारे। ठीक है, ये हैं पवन जी के पिताजी जो आज भी गढ़ रहे हैं नई नई कहानियाँ इन छोटे छोटे औजारों से, चंदन की लकड़ी हाथ में लिए। कमाल है ना कैसे एक लकड़ी का टुकड़ा बन जाता है बिना जोड़ की एक माला। नमन है ऐसे कलाकारों को, आप जब भी चुरू आएं तो इन्हें देखना ना भूलें, इनका संपर्क वीडियो के अंत में दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इंडी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।